My dear students, today we will read our chapter number 3 from our Flamingo book, class 12, that is Deep Water. Okay, बच्चे तो आज हम ये chapter read करेंगे Deep Water, and ये chapter के author हैं William Douglas. इनका इनका ये experience है, इनकी ये खुद की एक autobiography थी जिसका नाम था Men and Mountains. उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, एक्सर्प्ट है जो कि मैन एंड माउंटेन्स में से लिया गया है, जो कि हमारे विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है बेटा, और इस डीप वाटर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे फ्रीजेस, कुछ लाइंस बताना चाहूँगी जो इस चैप्टर के हमारे पूरे जो कि इस चैप्टर में कवर होता है कंटेंट, जो भी इस चैप्टर के थीम है उसके ऊपर है. क्या है बच्चे? फियर जो होता है हमारा, डर, उसके दो मतलब होते हैं. फियर हैज़ टू मीनिंग्स जनरली, एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन. और दूसरा मतलब डर का क्या होता है? फेस एवरीथिंग एंड राइज. हर चीज़ को फेस करो और ऊँचे उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ उससे, या फिर सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ उस सिचुएशन से. नाउ द चॉइस इज़ योर, इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हो. तो ऐसा ही हमारे विलियम डगलस की लाइफ में हुआ था. एक बार उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से उनके माइंड में डर बैठ गया था. तो उन्होंने उस डर को कैसे, उसके ऊपर जीत हासिल की थी, उस डर के ऊपर कैसे ओवरकम किया था अपनी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर के साथ, तो इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे. एंड फियर आर, अकॉर्डिंग टू मी, फियर आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड. ये तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड का पार्ट है. हम लोग अपने माइंड में डर बिठा लेते हैं. आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो बचपन में, या कभी भी ऐसी कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो जिसकी वजह से आपको उस चीज़ से रिलेटेड डर बैठ गया हो, जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी शॉक से डर लगता है, भाई शॉक लग जाएगा मैं अगर इस स्विच को ऑन करूँगी, एक बार कई उसके पास्ट से वो इंसिडेंट रिलेट करता हो तो वो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है. किसी को हाइट का फोबिया होता है. सिमिलरली हमारे जो डगलस थे, डगलस से उनके मन में वाटर का डर बैठ गया था. वाटर से उनको बहुत ज़्यादा वर्जन हो गई थी क्योंकि उनके साथ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था. तो फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड देयर इज नो इल्यूजन ग्रेटर देन फियर. देयर इज नो इल्यूजन ग्रेटर देन फियर, एंड फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल. फियर से हमारे जो ड्रीम्स हैं वो ज़्यादा ख़त्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेलियर्स. फेलियर्स इतने ड्रीम्स को किल नहीं करता है जितना कि फियर किल कर देता है. ठीक है बेटा, तो अब हम ये चैप्टर डीप वाटर विलियम डगलस का हम रीड करते हैं. कैसे, क्या क्या उनके साथ हुआ हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 ईयर्स ओल्ड. अब वो विलियम बता रहे हैं ये कब की बात है, जब वो करीब 10-11 साल के थे, ये तब की बात है. I had decided to learn to swim, and what he decided, our William Douglas decided to learn swimming. And there was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. अब एक पूल था कहाँ पे? YMCA में. YMCA क्या है? Young Christian Association Stadium टाइप्स आप लगा लो, वो है जहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी. वहाँ पे एक एक्टिविटी क्या भी थी? स्विमिंग भी थी, जहाँ पे स्विमिंग सिखाया जाता था याकिमा में. याकिमा बच्चे, याकिमा कहाँ है? याकिमा हमारा USA वॉशिंगटन में है, प्लेस इन वॉशिंगटन USA. तो वहाँ पे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे वो क्या कर सकते थे? स्विमिंग सीख सकते थे. तो याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और जो याकिमा की रिवर थी वो कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी. ओके, मदर कॉन्टिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइनिंग इन द रिवर. और मेरी मम्मी मुझे हर बार, मतलब कॉन्टिन्यूली वॉर्न करती रहती थी उसके बारे में, उस याकिमा रिवर के बारे में, और मेरे माइंड में हर डिटेल वहाँ के जितने भी ड्रॉइनिंग हुए थे वहाँ पे, जितने भी फ्रेश इंसिडेंट्स होते थे, कोई भी दुर्घटना होती थी, तो उसके बारे में मेरी मम्मी मुझे क्या देती रहती थी? अपडेट्स देती रहती थी कि आज ऐसा हो गया. वो मुझे एक टाइप के मुझे बचाना चाह रही थी, मुझे वॉर्न करती रहती थी कि तुम अपना ध्यान रखना. ठीक है, बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA पूल था जहाँ पे मैं स्विमिंग सीखनी थी मुझे, वो क्या था? वो सेफ था.
इट वॉज ओनली थ्री और टू और थ्री फीट डीप एट द शेलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. अब उसने क्या बताया, हमारे विलियम डगलस ने बताया कि जो YMCA पूल था वो सेफ था. वो सिर्फ एक एंड पे तो कितना डीप था, 2 or 3 feet डीप था, और दूसरे एंड पे उसकी डेप्थ कितनी थी, 9 feet डीप. और ऐसे ही मोस्टली हमारे पूल्स होते हैं कि जैसे ये है पूल हमारा 1 feet, एक एंड पे तो उसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी, 2 to 3 feet, और दूसरे ही एंड पे उसकी डेप्थ कितनी थी, 9 feet. और जो ड्रॉप थी दैट वॉज ग्रेजुअल. तो हाइट जो इंक्रीज हो रही थी वो ग्रेजुअल थी, ये नहीं एक बारी में ही 2, 3 से 1, 7 अगला 9 feet, नहीं वो दैट वॉज ग्रेजुअल. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने अपने वाटर विंग्स लिए और कहाँ चला गया, पूल की तरफ चला गया. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर विंग्स. वाटर विंग्स क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं हमारे वाटर विंग्स जिसकी हेल्प से हम स्विमिंग सीखते हैं. ठीक है, तो मैंने अपने वाटर विंग्स लिए और मैं कहाँ चला गया, पूल की तरफ चला गया. ओके बच्चे आगे देखते हैं. आई हेट इट टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. वो कहते हैं, विलियम डगलस कहते हैं, मुझे नेकेड जाना वहाँ पे पूल पे बहुत ही गंदा लगता था. मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं अपनी ऐसे स्किनी लेग्स लेके वहाँ पे जाऊँ. स्किनी लेग्स बड़ी ही पतली पतली सी, वो कैसा थे हमारे डगलस, बहुत ही पतले थे. तो स्किनी लेग्स लेके वहाँ पे जाना उनको बहुत बेकार, उससे उनको क्या थी, हेट्रेड थी. सो आई सबड्यूड माई प्राइड. फिर भी मैंने अपनी प्राइड को क्या किया, सबड्यूड किया, अपने साइड रखा और एंडेड इट, और मैं वहाँ पर चला गया अपनी नेकेड लेग्स को लेके. सबड्यूड का मतलब होता है गेव अप. मैंने अपनी प्राइड, अपने रिस्पेक्ट गेव अप की और वहाँ पर मैं चला गया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Starting से ही मुझे पानी से क्या है, एक great डिसलाइक है. एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना किसी चीज़ के लिए. मुझे स्टार्टिंग से ही इसके वाटर से एक स्ट्रॉन्ग सी डिसलाइक है. जब भी मैं उसमें होता हूँ मुझे कुछ मतलब अजीब सा ही फील होने लग जाता था. दिस स्टार्टेड व्हेन, और ये मेरी एवर्जन स्टार्ट कब हुई, जब मैं सिर्फ 3-4 साल का था तब मेरी एवर्जन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मेरी वाटर से स्टार्ट हुई. और क्या स्टोरी उसके पीछे बताते हैं, क्या हुआ था उनके साथ जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे, तो उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनको पानी से डर लगने लग गया था. एंड व्हाट वाज दैट स्टोरी, वो बता रहे हैं हमें. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. क्या हुआ था, जब वो 3-4 साल के थे तो उनके फादर उनको कहाँ लेके गए थे, एक बीच पे लेके गए थे कैलिफोर्निया में. एंड ही एंड आई स्टूड देयर इन द सर्फ. एंड वहाँ पे वो और उनके फादर कहाँ खड़े हुए थे, इकट्ठे सर्फ में, वेव्स जो होती हैं सी की, वहाँ पे खड़े हुए थे, उसके अंदर खड़े हुए थे. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. मैं उनको अच्छे से पकड़ के जकड़ के उनके ऊपर था, फिर भी जो वेव्स थी उन्होंने मुझे खींच लिया और वेव्स क्या हो गई, मेरे ऊपर आ गई. मतलब कि वेव्स जो थी वो पानी की वेव्स के बीचों बीच आ गया, वेव्स ने उसको खींच लिया अपनी तरफ एकदम से, जैसे वो नीचे गिर गया और पानी की वेव्स थी जो वो उनके ऊपर आ गई. ठीक है, आई वॉज बरिड इन वाटर. और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पानी में धस गया हूँ, बरिड हो गया हूँ. माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रेथलेस एंड आई वॉज फ्राइटेंड एंड माई फादर लाफ्ड. बल्कि मेरे फादर को ये देख के बहुत हंसी आ रही थी कि जैसे एक मजाक वाला, वो तो मजाक में समझ रहे थे, उनको नहीं पता था कि भाई मैं इतना ज़्यादा डर गया हूँ, इतना ज़्यादा मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे अंदर टेरर पैदा कर देगा. बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन क्या हुआ, मेरे हार्ट में एक डर सा, एक टेरर सा बैठ गया एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. उन इतनी फोर्सफुल जो वेव्स मेरे ऊपर आई थी उनकी वजह से मेरे दिल के अंदर क्या बैठ गया, डर बैठ गया. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे विलियम डगलस के मन में कैसे डर बैठा था पानी को लेके, कैसे एवर्जन, जो हमने ये वर्ड पढ़ा, कैसे उनके मन में ये क्रिएट हुआ. ठीक है, आगे देखिए. My introduction to the YMCA swimming pool was revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा introduction YMCA swimming pool के साथ, जब मैं YMCA swimming pool गया तो मेरी जो सारी unpleasant memories थी उस पानी को लेके, उस जब वो मैं बीच पे गया था, वो सारी की सारी क्या हो गई, ताज़ा हो गई. मेरे माइंड में वो फिर से आने लगी वो सारी बातें. और जो मेरा stirred childish fear था, जो कि कभी हिला ही नहीं था, मेरे माइंड से बैठा हुआ था, वो भी एकदम से रिवाइव हो गया, ताज़ा हो गया. बट इन द लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. फिर भी मैंने बड़ी ही
थोड़ी देर में अपना कॉन्फिडेंस गैदर अप किया, अपने आप को कॉन्फिडेंटली कहा नहीं मैं करूँगा। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और मैंने क्या किया, वहाँ पे जो दूसरे बॉयज़ थे उनको एपिंग करना, उनको कॉपी करना, एपिंग होता है कॉपी, कॉपी करना शुरू किया और पेडलिंग स्टार्ट कर दी। आई डिड इट 2 to 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड। और क्या हुआ, मैंने इसको 2-3 times किया अलग अलग दिनों में, और जस्ट मैं ईजी फील कर ही रहा था पानी के साथ, मुझे अब ईजी लग रहा था पानी में जैसे वो पेडलिंग कर रहे थे वो ईजी लग ही रहा था, अचानक एक क्या हुआ मेरे साथ, मिस हैपनिंग हुई। क्या हुआ उनके साथ, अब हम ये पढ़ते हैं। I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पे गया उस दिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया था तब तक। The place was quiet. The water was still and tiled bottom was as white and clean as bathtub. जो पानी था वो एकदम से स्टिल था, और वो जो मुझे पानी का उस YMCA स्विमिंग पूल का जो बॉटम था वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, जैसे कि आप बाथ टब में बॉटम को साफ देख सकते हैं, वाइट और क्लीन उसको टाइल्ड बॉटम उसका दिख रहा था इसका पूल का। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर अकेले जाने में, क्योंकि वहाँ पे अभी और कोई नहीं आया था। तो उसने क्या सोचा, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो मैं कहाँ बैठ गया, पूल की साइड पे बैठ गया, ताकि जब तक सब नहीं आते तब तक मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ, जब सब आएंगे तब मैं पूल के अंदर चला जाऊँगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो पूल के साइड पे बैठ जाएंगे। फिर आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रोशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। अभी मुझे इतनी देर नहीं हुई थी वहाँ पे बैठे हुए, तो वहाँ पे अचानक एक कौन आया, एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा बॉय आया, और वो प्रोबेबली कितने साल का था, 18 साल का लग रहा था, ठीक है, हट्टा कट्टा था, जैसे मसल्स मस्क्यूलर बॉय होता ना, दैट इज अ ब्रोशर बॉय। आगे देखते हैं क्या हुआ। He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. भाई वो बड़ा ही फिजिकल, अच्छा फिजिकली बिल्टअप हुआ था, उसके चेस्ट पे हेयर्स थे और उसकी लेग्स और आर्म्स क्या शो कर रही थी, रिपलिंग मसल्स। कैसे भाई, जैसे आपने जिम में लोगों को देखा हुआ है कि कैसे उनकी जो सिक्स आर्म्स वगैरह दिखाई देती हैं, तो वैसा ही वो लड़का जो था वो दिख रहा था भाई, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो ही वॉज अ बिग ब्रोशर बॉय। क्लियर हो गई आपको बात। तो ये 18 साल का करीब लड़का वहाँ पे आया, और देखते हैं उसने हमारे विलियम डगलस के साथ क्या किया। यस, व्हाट डिड ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ट। उसने क्या बोला, हाई स्किनी, जैसे टॉन्ट करते हुए, स्किनी मतलब जो भाई उसको टॉन्ट करते हुए पतला सुकड़ा सा उसको बुलाया, हाई स्किनी How would you like to be ducked? He asked William if he wanted to be thrown into the pool. Ducked का मतलब क्या होता है, डग का मतलब होता है push और plunge someone under the water. Water के अंदर किसी को डालना, push कर डाल देना। तो उसने हमारे William Douglas से पूछा if he wanted to be thrown into the pool. किसने पूछा, उस लड़के ने, वो जो 18 साल का था और एक खट्टा कट्टा बिल्कुल फिजिकली डेवलप लड़का लग रहा था। विद दैट, और इतना कहते ही उसने मुझे उठाया, He picked me up and tossed me into the deep end. और मुझे कहाँ फेंक दिया, उस डीप एंड में, उस पूल के डीप एंड में मुझे फेंक दिया। और डीप एंड की गहराई कितनी थी, हमने पढ़ा था, दैट वॉज 9 feet। उसने उठा के मुझे वहाँ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, क्यों, और मैं वहाँ पे सिटिंग पोजिशन में ही मैंने लैंड किया नीचे, जैसे वो बैठा था ना वैसे का वैसे ही उसने उसको उठा के फेंक दिया, और वो बिल्कुल सिटिंग पोजिशन में ही पूल में लैंड किया। स्वेलोड वाटर, और मेरे अंदर बिल्कुल पानी चला गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एट वंस वो कहाँ चले गए हमारे विलियम डॉगलस, बॉटम पे चले गए। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं बहुत डर गया था, बट मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने आउट ऑफ विट्स हो जाऊँ, कि मैं अपनी इंटेलिजेंस ही खो दूँ, मतलब सोचने की पावर ही खो दूँ, इतनी मुझे शक अभी थी समझ कि भाई मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं मेरी जो जर्नी नीचे थी, नीचे की ओर जा रही थी ऊपर से, ठीक है, नीचे की ओर जा रही थी, तो मैंने उस जर्नी के बीच मैंने क्या प्लान किया, मैंने प्लान किया, When my feet hit the bottom, I would make a big jump. जब मेरे feet bottom को hit करेंगे, मैं एक big jump ऊपर की तरफ मारूंगा, surface पे आ जाऊंगा,
फ्लैट उसके ऊपर लेट जाऊंगा पानी के ऊपर एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करता हुआ कहाँ चला जाऊंगा, पूल के एज पे चला जाऊंगा इजीली। उसने ये प्लान किया, जब मेरे फीट बॉटम को हिट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बिग जंप मारूंगा, बॉटम पे पैर लगते ही एकदम से बिग जंप मारूंगा, ठीक है, सरफेस पे आ जाऊंगा, फ्लैट लेट जाऊंगा और पेडलिंग करते हुए पूल के एज पे चला जाऊंगा। इट सीम द लॉन्ग वे डाउन, और लेकिन क्या हुआ, उनकी जो जर्नी थी नीचे जाने वाली वो क्या थी, बहुत ही लंबी लग रही थी हमारे डगलस को। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 feet उनको कैसे लग रहे थे, 90 feet के इक्वल लग रहे, वो 9 feet उनको क्या कितने लग रहे थे, 90 feet के इक्वल लग रहे थे। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, उससे पहले मैं बॉटम को टच करता मेरे जो लंग्स थी वो क्या हो रही थी, बर्स्ट हो रही थी। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जब मेरे फीट बॉटम पे हिट किए, बॉटम को हिट किए, मैंने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ क्या करी, गैदर करी, और जितनी भी मेरे पास स्ट्रेंथ थी गैदर करी और मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जो मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, एकदम से हिट करूँगा, मैंने वही किया। I imagined I would bob to the surface like a cork, और मैंने क्या इमेजिन किया था कि मैं सरफेस पे आ जाऊँगा जैसे कि एक कॉर्क, बॉटल का जो ढक्कन होता है एकदम ऐसे उड़ता हुआ सरफेस पे ऊपर आ जाता है ना, सिमिलरली वैसे ही मैंने इमेजिन किया था मैं भी कहाँ पे आ जाऊँगा, बिल्कुल उस पूल के बॉटम पे, सॉरी सरफेस पे आ जाऊँगा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई मैं एकदम से ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा और पैडल करता हुआ पूल के एज पे चला जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट। I came up slowly, मैं slowly ऊपर आया। I opened my eyes and saw nothing, मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया, पानी ही पानी अपने चारों तरफ, अपने हर तरफ मुझे क्या दिखाई दिया, water and water, and that had a dirty yellow tinge to it, और जो कि कैसे, जिसके ऊपर क्या कलर आ रहा था, कि येलो कलर का टच आ रहा था, tinge होता है टच ऑफ, येलो कलर का सरफेस मुझे दिखाई दे रहा था। इट वॉज ड्यू टू सन रेज की वजह से वो पानी जो था उसके अंदर येलो टच आ रहा था। आई ग्रो पैनिक, मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं इरीटेट हो रहा था, पैनिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने ऊपर पहुँचा तो मैंने मतलब ग्रैब करने की कुछ जैसे मैंने अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करी जितनी मैं ऊपर पहुँचा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ क्या आया, पानी ही आया और कुछ नहीं आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, येल करने की कोशिश करी, स्क्रीम करने की कोशिश करी, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, मेरे मुंह से नहीं जा रही थी, मुंह खोल रहा था तो उसके अंदर सिर्फ क्या जा रहा था, पानी जा रहा था। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर उसके बाद मेरे आइज़ और नोज़ ही जो थे वो पानी के बाहर आए, लेकिन मेरा माउथ अभी भी कहाँ था, पानी के अंदर ही था। इस तरह से बच्चे देखो, माउथ अभी भी उनका कहाँ पे है, पानी के अंदर है, आइज़ और नोज़ ही थे जो उनके पानी के बाहर थे, ये तो अभी कम हो रहा है तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. मैंने क्या किया, waved his hands, मैंने अपने हैंड को waved किया, flailed का मतलब होता है waved, wave किया अपने hands को, waved his hands at the surface of the water, water के surface पे मैंने अपने हाथ wave किए ताकि मुझे कोई देख ले, मेरे हाथों को कोई देख ले और मेरी help के लिए वहाँ पे आ जाए। इस तरीके से मैंने अपने हाथों को क्या किया, वेव किया ताकि मुझे कोई देख सके और मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या, स्वेलोड एंड चॉक्ड, मैंने मेरे सिर्फ अंदर क्या गया, पानी गया और मेरा गला एकदम से चॉक्ड हो गया, अनएबल टू ब्रेथ, मतलब मुझे ब्रीथ सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, मैंने ट्राई करी अपने लेग्स को ऊपर लाने की, लेकिन हुआ क्या, मेरी जो लेग्स थी वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी पैरालाइज हो चुकी हैं, बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी, रिजिड हो गई थी, वो हिल ही नहीं रही थी कुछ, जैसे उनके अंदर जान ही नहीं रह गई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था, सी के वो पानी जो था मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ मेरी आवाज़ किसने सुनी, सिर्फ पानी ने ही सुनी।
आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ द पूल, मेरी दोबारा से जर्नी बॉटम की तरफ शुरू हो गई, वापस से अब उसने कहाँ जाना शुरू कर दिया, बॉटम की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी तो वो ऊपर आया था लेकिन फिर से वो कहाँ उसकी जर्नी वापस से बैक पानी के नीचे बिल्कुल बॉटम पे शुरू हो गई। आई स्ट्रक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, मैंने पानी के साथ स्ट्रक किया, मतलब पानी जो था उसके आसपास था, एंड आई एज आई वेंट डाउन जैसे ही मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ को, मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या हो रही थी, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, लूज़ होती जा रही थी, आई वॉज गिविंग आउट माई स्ट्रेंथ एंड ही कंपेयर्स हिज सिचुएशन टू अ पर्सन हु सीज़ अ नाइटमेयर, और वो अपनी सिचुएशन को उस पर्सन से कंपेयर करते हैं जो कि एक बुरा सपना देखता है वो पर्सन, और हु सीज़ अ नाइटमेयर एंड फाइट्स अगेंस्ट द ड्रेडफुल ड्रीम्स, और वो बंदा उन जो उनको भयानक सपने आते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करता है लेकिन उस से बाहर नहीं निकल पाता, बट इज़ अनेबल टू वार्ड इट ऑफ। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन उस बंदे से कंपेयर करी जो कि एक नाइटमेयर देखता है, और उसके वो नाइटमेयर वो थॉट्स उसके माइंड में बैठ जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन उस बंदे से कंपेयर करी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी जो ब्रेथ थी बिल्कुल सारी क्या हो चुकी थी, लॉस्ट अप हो चुकी थी, मेरे में कोई हिम्मत नहीं रह गई थी। माई लंग्स एक्ड, मेरे लंग्स में बहुत पेन हो रही थी। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे हेड में, माई हेड वॉज किलिंग मी, बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग हो रही थी जैसे अंदर कोई हथौड़े बजा रहा हो, ठीक है, उसकी लंग्स में पेन हो रही थी, उसके सिर में बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे एकदम से अब क्या हो रही थी, उसकी आंखें बंद होने को आ रही थी, डिजी हो रही थी, फेंट हो रहा था वो, ठीक है बच्चे आगे देखिए। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी वो स्ट्रेटेजी याद थी। क्या स्ट्रेटेजी? कि उसने बॉटम को हिट करना है और वापस से क्या आना है, सरफेस पे आना है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉटम को हिट करेंगे और वापस से सरफेस पे आएंगे और फिर पैडल करते हुए एच की तरफ चले जाएंगे और पूल से निकल जाएंगे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। क्या स्ट्रेटेजी थी? बॉटम को टच करेंगे उनके फीट्स, वो फटाफट से एक लॉन्ग जंप मारेंगे और ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे, फ्लैट लेट जाएंगे पानी पे और अपनी आर्म्स और अपनी लेग्स के साथ पानी को वो करके वो पूल से बाहर निकल आएंगे, एज पे आके बाहर निकल आएंगे। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और एज की तरफ आके, पूल के एज की तरफ आके सेफ हो जाऊंगा मैं। उन्होंने वो अपनी स्ट्रेटेजी, उनके माइंड में अभी भी ये चल रही थी, गिव अप नहीं किया था उन्होंने। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं डाउन 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 जाता रहा बिल्कुल एंडलेसली। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, अगेन उनको सिर्फ क्या दिया, येलोइश वाटर दिखाई दिया, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क वाटर जिसके अंदर से कोई कुछ नहीं देख सकता था। एंड देन, और फिर उनका एक स्वेयर शार्क टेरर ने उनको जकड़ लिया, शेयर शार्क टेरर, डर ने, एक भयानक डर ने उनको ग्रिप कर लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो किसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता, वो डर जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो डर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो डर जो कि कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, है ना, होता है ना कि अब अगर हम कोई बात किसी सामने वाले बंदे को बताएं तो वो कहेगा अरे यार ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता, जब तक वो सामने वाला बंदा उस चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस करेगा तो वो आपके उस डर को नहीं समझ सकता है। तो वही हमारे विलियम डगलस बोल रहे हैं, आई वॉज श्रीकिंग अंडर द वॉटर, मैं जो पानी था उसके अंदर क्या होता जा रहा था, ढलता ही जा रहा था, बिल्कुल स्क्रीमिंग, बिल्कुल सिकुड़ता ही जा रहा था उस पानी के अंडर। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, बिल्कुल पानी के अंडर मैं बिल्कुल क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल मेरी जो बॉडी थी वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही थी, स्टिफ रिजिड विद फियर, बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, इवन उसकी जो चिल्लाने की उसकी जो स्क्रीम्स थी वो भी क्या हो चुकी थी, फ्रोजन हो चुकी थी उसके थ्रोट में, उसके गले में। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ एक मेरा हार्ट और मेरे जो हेड में जो थ्रॉबिंग चल रही थी, पाउंडिंग्स चल रही थी, वही मुझे यही संकेत दे रहे थे, वही मुझे ये बता रहे थे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, अदरवाइज तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो चुकी थी, पैरालाइज हो चुकी थी, रिजिड हो चुकी थी। ठीक है बच्चे आगे देखिए। एंड देन इन midst ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और उसके बाद इस टेरर के बीचों बीच में मुझे एक रीज़न, मुझे एक वजह दिखाई दी जो मुझे याद थी, क्या थी, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद रखना था कि मुझे जंप करना है जैसे ही मैं बॉटम को
हिट करूँगा। एकदम से वो पहले क्या हो गए थे, बिल्कुल वो हो गए थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर एकदम से उनके टेरर के बीचों बीच उनको अपनी एक वो दिखाई दी जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उन्होंने सोचा था, फिर से उनके माइंड में ये चीज़ आ गई कि मुझे क्या करना है, अपने जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, बॉटम को टच करूंगा, मुझे क्या करना है, हिट करना है बॉटम को और मैं फिर वापस से ऊपर आ जाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट वो नीचे पहुँच गए, उनके नीचे, उनके पैरों के नीचे उनको टाइल्स फील हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे टोज ने उनको जकड़ने की, बॉटम को पकड़ने की कोशिश की, आई जम्प्ड, और फिर जैसे ही उनके फीट ने बॉटम को पकड़ा, जकड़ा, एकदम से उन्होंने क्या किया, जंप की वापस से विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी करेज मेरे पास बची थी, जितनी भी स्ट्रेंथ मेरे पास थी, उस सब को इकट्ठा करके मैंने क्या किया, दोबारा से एक जंप लगाई, छलांग लगाई। बट दैट जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं किया, यानी कि वो अभी भी कहाँ थे, पानी में ही थे, सरफेस पे नहीं आए। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे अराउंड क्या था, पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रॉप्स के लिए, लेडर्स के लिए, वाटर विंग्स के लिए इधर उधर देखा, नथिंग बट वाटर, मुझे लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, इतना भयानक, इतना येलो वाटर का कहते हैं ना कि बिल्कुल सराउंडिंग जिसने मुझे क्या कर रखा था, पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, इतना भयानक टेरर जो था, जो कि पहले भी था, अब तो वो और ज़्यादा क्या हो गया था, डीप हो गया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर रन करता है, सिमिलरली वैसा ही। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं एकदम से ट्रेम्बल हुआ डर से, माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो आर्म्स थी वो मूव नहीं कर रही थी, मेरी लेग्स भी मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए मुंह खोला अपना, अपनी माँ को बुलाना चाहा, लेकिन नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, जब हमें कहते हैं ना हम मुश्किल में होते हैं तो हमें सिर्फ अपनी माँ, मम्मी मम्मी हम बोलते हैं, तो वही उनके साथ हुआ, हमारे विलियम डगलस के साथ। तो बच्चे ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बच्चे अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।